Good afternoon students, class first Hindi पहले पूरा हो गया है, सारा lesson complete हो गया, revision में चलेगा. तो revision में सबसे पहले lesson है वर्णमाला. क्या है वर्णमाला? आप LKG UKG में वर्णमाला पढ़ चुके होंगे. वर्णमाला में क्या होता है? पहले स्वर. क्या होता है? स्वर व्यंजन. स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? वर्णमाला, वर्णों का ज्ञान. देखिए स्वर में अ आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, अं, अव. ये जो 13 मात्राएं जो है वो स्वर होती है, इनकी मात्राएं होती है, जबकि व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती है और इसमें मात्रा होती है. तो स्वर में अ आ ई ई, जबकि अ कोई मात्रा नहीं होता, आ में एक संख्याएं होती है, छोटी ई की मात्रा पीछे से, बड़ी की मात्रा आगे, और छोटा हो, बड़ा हो, री, ए, ए, ओ, औ, अम, अ. ये जो है स्वर में मात्राएं होती है. आप यूकेजी में पढ़ चुके हैं सारी मात्राएं. ये क्लास पढ़ते हैं बस थोड़ा रिवीजन के तौर पर बताया जाता है बच्चों को, ताकि छुट्टियों के बाद आते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं. और ये व्यंजन है, व्यंजन में कोई मात्राएं नहीं होती, स्वर से जुड़ा रहता है. व्यंजन जो है वो बिना स्वर के अधूरा होता है. जब उसमें स्वर जुड़ता है उसका व्यंजन पूर्ण होता है. अभी हम बताएंगे व्यंजन क्या है. फिर से बताया जा रहा है बच्चों, जो अभी तक नहीं देखते आ रहे थे अब जोड़ेंगे. और जिनका अटेंड नहीं हुआ है अभी हम बता देंगे, उनकी क्लास फिर से स्टार्ट हो गया है. ये षटकोण 100 तक आ गया. उसके बाद अभी हम टाइट देते हैं. षटकोण था छोटा था और दिख रहा है. यम और ये भी होते हैं तो देखिए ये मात्राएं, ये व्यंजन है. व्यंजन बिना स्वर के कैसे अधूरा होता है? जैसे क है, ये क के व्यंजन होते हैं लेकिन ये अधूरा रहता है. ये तो व्यंजन हो गया प्लस स्वर. जब स्वर जुड़ेगा ये अभी आधा व्यंजन है, पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं हुआ है. जब ये स्वर जुड़ेगा तब जाके पूरा व्यंजन होगा. ये आज पहले लिखे हैं, सोचे हैं आप लोग उस तक नहीं समझ पाएंगे. अधूरा क्या होता है, पूरा क्या होता है, किसी टाइम किसी टाइम में होगा, पूरा लिखा हुआ है. जब उसे स्वर होता है तब वो पूरा होता है. जैसे हम लोग बोलते हैं क क, तो क के बाद क आ रहा है ना, तो वो स्वर जुड़ा हुआ है. जैसे का बोलेंगे तो का में आ रहा है, की बोलेंगे तो की आ रहा है, बड़ी की मात्रा वाला की बोलेंगे तो उसमें भी बड़ी की मात्रा आ रही है, वो बोलते हैं तो उसमें भी मात्रा आ रही है. तो बिना व्यंजन जो है बिना स्वर के अधूरा होता है सारे व्यंजन में.
स्वर उसी का उत्तर है, चाहे मात्रा वाला हो चाहे बिना मात्रा के हो। समझ में आ गया होगा स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। ये वर्णमाला था प्रस्तावना के तौर पे आपको समझने के लिए वर्णमाला बना गया था। इसमें वर्णमालाएं कितनी होती है, स्वर 13 और ये कितना होता है 36 होती है वर्णमाला और स्वर और 36 और दोनों मिला के कितने होते हैं 49 कितने होते हैं 49 और जो 3 होते हैं थर्ड और एक दो मिला के कितने होते हैं 52 ये होते ये भी जाता है तो ये हम आपको मात्राएं बता दिए। अब देखिए यह है पुनरावृत्ति लेसन पुनरावृत्ति। अभी तो ये आपको निरीक्षण के तौर पर बता रहे थे स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर की मात्राएं भी आपने दे दिया, व्यंजन पूरा दे दिया और व्यंजन पूरा होता है बिना स्वर के। तो स्वर भी हम आपको जोड़ के बता दिए कि व्यंजन में स्वर जोड़ के बताए तो क्या के रूप में आपका व्यंजन पूरा। अब देखिए दिया है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति इसमें दिया है ओ और आ। क्या दिया है अक्षरों को मिलाकर और लिखिए, मिलाइए और लिखिए। ये अक्षर बनाने के लिए बताया है मात्रा शब्द बनाने के लिए अक्षरों को या तो जो अभी तक वीडियो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ो।
देखिए फिर से रिवीजन कराया जा रहा है। अब देखिए दिया है यहाँ पे अभी पुनरावृत्ति नहीं चल रहा है की और बड़ी की बन गई है। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है दिन ये बनाने वाली दिन बकरी चिकन की मिठाई छिलका कीमा Yeah.
बड़ा छोटा दोनों ही खा गया। चूरा चूरा, जूता जूता जूता, सुना सुना, झूला झूला। देखिए अंतर है, समझने का है, बस अंतर है। देखिए दिया है फूल, फूल फूल का मतलब समान है, कोई भी चीज होगा सबको पता है ये समान लाया है कि नहीं, तो ये फूल का मतलब अलग होता है। और ये फूल ठंडा से मतलब है, फूल है कहते हैं फूल को ठंडा। ये सुर, सुर यानी ताल के होते हैं, और ये सुर अंधा, सुख यानी जो दुख सुख होता है, और ये सुख का मतलब होता है जैसे कोई सामान सूख जाता है। चूरा और ये चूरा, चूरा यानी कोई चीज चुरा ली हो, कहते हैं कि मेरा चीज चुरा ली। और ये चूरा जैसे हम कहते हैं उसका चूरा या किसी चीज का चूरा होता है, जैसे कहते हैं नारियल का चूरा पीजिए, ये जूता। और ये जूता, जूता का मतलब जुड़ना, ये जुड़ने से हो गया। और ये जूता जो हम लोग पहनते हैं शूज। और सुना, सुना सुना मतलब जो चीज हम लोग सुनते हैं, होता है कोई चीज आपने सुना है या सुना, ये सुना मतलब जहाँ पे हमको बहुत नुकसान लगे, शांत लगे वो झूला। और झूला ये झूला मतलब किसी चीज से झूल गया या झुल गया, और ये झूला झूलने का जिससे हम लोग झूलते हैं, पीते हैं, दादियों के चढ़ते झूलते हैं, ये झूला होता है। ये छोटी की मात्रा और ये बड़ी, छोटी की मात्रा है तो झटके से बोलते हैं जैसे कुल, और बड़ी की मात्रा जो होती है बड़ा उसका मात्रा होता है उसको बोलते हैं धीरे से कुल, और छोटा होता है वो झटके से बोलते हैं कुल। ये छोटा हो और बड़ा हो की मात्रा की ये पुनरावृत्ति बताया जा रहा था, आपने वर्णमाला पढ़ा स्वर और व्यंजन, उसके बाद पुनरावृत्ति छोटा हो तब हो गया। अब आज के लिए बस इतना वीडियो, कल आगे बताएंगे ए और ए की मात्रा। अगर हो सके तो आप लोग इसको बुक में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग ए यूकेजी में पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बल देना है। आज तक के लिए इतना ही वीडियो, गुड बाय बच्चों।